क्या रिलेशनशिप में फिजिकल होना जरूरी है यार? हाँ जरूरी तो है, वरना रिलेशनशिप टिकता नहीं है। इसका मतलब प्यार हमें सिर्फ बॉडी से है, बॉडी की नीड है प्यार? ऐसा मैंने नहीं कहा कि बॉडी की नीड है, लेकिन रिलेशनशिप में अगर फिजिकल नहीं होगी तो फिर रिलेशनशिप ज्यादा दिन तक टिकता नहीं है, वो टूट जाता है। अच्छा, लेकिन उससे एक प्रॉब्लम भी है। प्रॉब्लम क्या है इसमें? यार मान तू मेरा बॉयफ्रेंड है, ठीक है? हाँ? और कल को मेरी किसी और से शादी हो जाती है, ऐसे में मेरे फ्यूचर हस्बैंड मेरे पर शक करेंगे, पता नहीं मुझे मारेंगे पीटेंगे, मेरे घर वालों को बता देंगे कि मैं वर्जिन नहीं थी। उनको कैसे पता चलेगा ये तू वर्जिन नहीं थी? यार जब मैं पहली बार उनके साथ करूंगी तो ब्लड नहीं आएगा इनसे, उनको पता चल जाएगा। अरे ब्लड नहीं आने का बहुत सा रीजन हो सकता है, जब तू बचपन में खेल कूद रही होगी तब तेरी झिल्ली टूट गई होगी, तो तेरी ब्लड कैसे आएगी बाद में फिर? लेकिन फिर भी कैसे होता है, बचपन में ये कैसे हो सकता है? जब तुम बचपन में खेलती कूदती होगी तब, या फिर तुम साइकिल चलाती होगी तब तुम्हारी झिल्ली टूट सकती है और तब ब्लड आ सकता है, लेकिन लड़कियों में यही है कि ब्लड एक ही बार आता है, वो बार बार नहीं आएगा, इसलिए झिल्ली अगर तब टूट गई होगी तब बाद में अगर तुम फिजिकल होगी तब तुम्हारी ब्लड नहीं आएगी। लेकिन फिर अगर वो मुझे डॉक्टर के पास ले गया, डॉक्टर तो बता सकते हैं ना कि मैं पहले किसी और के साथ? जी नहीं, ऐसा कोई डॉक्टर नहीं है जो बता पाए, क्योंकि ऐसी कोई टेस्ट होती नहीं है ये बता पाए कि तुम वर्जिन हो या नहीं। लेकिन फिर भी यार एक प्रॉब्लम है। अब क्या प्रॉब्लम हो गई? यार देखो, मैं उस किसी और के साथ पहले फिजिकल हो गई। हाँ? तो मेरी फ्रेंड ने कहा था कि वो जगह जो होता है वो इलास्टिसिटी होता है, वहाँ पे उसकी इलास्टिसिटी लूज हो जाएगी तो फिर तो मेरे हस्बैंड को पता चल जाएगा ना। हाँ ये सही कहा तुमने कि इलास्टिसिटी लूज हो जाती है, लेकिन वो भी एक सीमित समय के लिए। अगर तुम आज फिजिकल होती हो और तुम फिर 6 मंथ या फिर 1 ईयर के बाद फिर से दोबारा फिजिकल होती हो तो उसको पता नहीं चलेगा, क्योंकि ये इलास्टिसिटी फिर से नॉर्मल हो जाती है। अच्छा तो और एक प्रॉब्लम भी तो है। अब क्या प्रॉब्लम है? यार मानो मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ फिजिकल हुई, फिर मेरे पति के साथ भी होंगी, ऐसे में बीमारी तो नहीं हो जाएगी किसी को? हाँ बीमारी हो सकती है अगर तुम बिना प्रोटेक्शन के करती हो, इसीलिए सबसे पहला चीज तुम कभी भी किसी के साथ फिजिकल होने से पहले प्रोटेक्शन का यूज जरूर करना। अच्छा तो प्रोटेक्शन यूज करने से कोई बीमारी नहीं होगी? नहीं नहीं, प्रोटेक्शन यूज करने से कोई बीमारी नहीं होती है। अच्छा तो एक बात बताओ, वो सब तो हो गया, लेकिन अगर मैं अपने बॉयफ्रेंड से रिलेशन बनाती हूँ कहीं होटल पे जाके कहीं जाके, और वहाँ पर कुछ ऐसे कैमरास लगा होते हैं और वो कैमरा से वीडियो वायरल हो जाते हैं या फिर हमें ब्लैकमेल किया जाए, तो हम क्या करेंगे उस वक्त? तो तुम्हें पहले अपने बॉयफ्रेंड या फिर तुम जिसके साथ तुम फिजिकल होना चाहती हो, पहले उस पर विश्वास करो, उसका विश्वास जीतो, वो भी तुम पे फेथ करे, विश्वास करे, तब तुम उसके साथ फिजिकल हो। ऐसे नहीं कि 1-2 महीने रिलेशन में आए कि तुरंत फिजिकल होना है, ऐसे कभी मत करना ये गलती। अरे हमने ये बोला कि मैं होटल में गई, होटल में कुछ कैमरा लगा हुआ, तो होटल में वैसा होटल में कभी मत जाना जिस पे विश्वास नहीं हो, छोटा मोटा होटल में जाओगी तो ऐसा हो सकता है, इसीलिए कोई रेपुटेटेड होटल में ही जाना अगर जाना हो होटल में तो। और ऐसे भी कोई भी होटल हो, तुम होटल के कमरे में जाके पहले चेक कर लेना, और मेन बात लाइट ऑफ रखना। अच्छा तो एक बात बताओ, ये सब तो हो गई बातें, अब मानो ऐसा हुआ कि मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ फिजिकल हुई और मैं प्रेग्नेंट हो गई, उस वक्त मैं क्या करूँगी? उस वक्त तो मैं डॉक्टर के पास भी नहीं जा पाऊँगी, या फिर डॉक्टर के पास जाऊँ तो डॉक्टर ने अगर मुझे मना कर दिया कि मैं अबॉर्शन नहीं कर सकती तब? ऐसे में कोई डॉक्टर तुम्हें मना नहीं करेगा, क्योंकि तुम 5 महीने तक तुम्हारा लीगल अधिकार है, तुम अबॉर्शन कर सकती हो, उसके लिए दवाई आती है वो डॉक्टर तुम्हें जरूर देगी। अच्छा तो इसके लिए कोई एज भी है? हाँ 18 इयर्स अबव 18 इयर्स से अगर तुम ऊपर हो तो तुम्हारा लीगल अधिकार है, तुम अपना एबॉर्शन खुद कर सकती हो। अच्छा तो एक बात बताओ, ये सब बातें तो ठीक है, लेकिन कब पता करें और कैसे जाने कि अब सही टाइम है कि हम फिजिकल हो सकते हैं रिलेशन में, मैं भी तैयार हूँ और वो भी तैयारी, मैं कैसे पता करूँ? जब तुम लोग दोनों आपस में एक दूसरे पे विश्वास करने लगो, कुछ समय दे दो अपने रिलेशन को, कम से कम 6 मंथ या 1 साल तक। 1 साल के बाद अगर तुम आपस में रिलेशनशिप में अगर फिजिकल होती हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उससे पहले दोनों की मर्जी होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं चाहता और तुम होना चाहती हो, ऐसा भी नहीं, या फिर तुम्हारा बॉयफ्रेंड होना चाहता है और तुम्हें जबरदस्ती कर रहा है, ऐसे में भी नहीं, दोनों की मर्जी हो तभी बनाना फिजिकल, वरना मत बनाना। वो अगर तुम्हारे साथ जबरदस्ती करे तो वैसा रिलेशन में रहना ही मत। अच्छा तो अब तो मैं समझ गई कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ये बात है कि मेरा मन होना चाहिए और मेरा बॉयफ्रेंड पे ट्रस्ट होना चाहिए। हाँ एकदम सही कहा।
तो दोस्तों ये थी हमारी इस बात पर बहस कि रिलेशनशिप में आपको फिजिकल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। मैं हूं नैना। मैं हूं राहुल। आपको अगर इसी तरह की बहस आपको किसी भी टॉपिक में रिलेशनशिप को लेकर या फिर कोई भी रिलेशनशिप में बहस देखना है जो आपको एंटरटेन करेगी, और सबसे जरूरी बात आपको इस बारे में जो एक सही जानकारी है वो देगी, इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों अगर आपको बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड किसी को इन सब बातों में डाउट है तो आप इस वीडियो को जरूर उनके साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी सही जानकारी के बारे में पता लग सके। और इस वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल हो बेझिझक कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम उसका जवाब जरूर देंगे। और अगर हमें लगा कि ऐसा कोई क्वेश्चन है जिसमें बड़ी बहस करनी चाहिए तो हम उस बात पर बहस करेंगे और सही जानकारी आप तक पहुंचाएंगे और आपकी नाम भी नहीं आएगी। तो दोस्तों हम मिलते हैं आपको फिर एक नए वीडियो में। टिल देन बाय दोस्तों, टेक केयर। जय हिंद, वंदे मातरम।